हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं निकली हूँ जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए। और अभी बजे हैं 6 और अंधेरा भी चल रहा है। ये मेरा पूरा लुक मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से मैंने ड्रेसअप किया है और अब मैं निकली हूँ वॉकिंग के लिए। सुबह का गाइस बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखिए कितना मस्त नज़ारा है। सबके घर में लाइट चल रही है, सुबह हो गई है। अभी दिवाली की लाइटिंग सबके घर में अभी भी चल रही है और एक गाइस गुड मॉर्निंग। अभी मैं निकली हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए और इस तरह से मैंने ड्रेसअप किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, तो चलिए थोड़ा सा वॉकिंग हो जाए। तो आप भी चलिए मेरे साथ वॉकिंग करने के लिए। आप लोग उठे हो कि नहीं, या अभी तक सोए हुए हो? तो चलिए थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। मैं निकल चुकी हूँ और ये मेरे मोबाइल शेक हो रहा है ना, ये मेरे घर का एरिया। लाइटिंग देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग लग रही है। और गाइस सुबह 6 बजे ही उजाला हो जाता है, मॉर्निंग में 6 बजे ही उजाला हो जाता है। सबकी गाड़ियाँ पार्क करके रखी हुई हैं, अभी तक लोग निकले नहीं है घर से। बस रोड तक पहुँच जाऊँ थोड़ा सा। गाइस इतना जल्दी उजाला हो जाता है ना कि ना पूछो बात। रोज मॉर्निंग में निकलने का सोच सोच के रह ही जाता है। तो गाइस आप लोग के यहाँ का एरिया कैसा है मुझे बताइए। पता नहीं मेरी आवाज़ अंधेरा है ना बेटा, अरे थोड़ा अंधेरा है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। और चलिए थोड़ा सा रनिंग करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं गाइस। ओके सुबह सबके काम चालू हो गए हैं। झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही है, और बस पेड़ पे चहक रहे हैं। हम चलते हैं थोड़ा रोड की साइड।
बर्ड्स इतना अच्छा आवाज़ कर रहे गाइस, और कैमरा ऑफ कर दिया था, और इतना मस्त बोल रहे थे, फिर से बोलेंगे। और ये देखिए मंदिर का लाइटिंग, तो गाइस आधा घंटा हो गया है अभी, और मैं फिर से घर चल रही हूँ अभी, क्योंकि अब घर जाके मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, और उसके बाद में देखिए बर्ड्स का आवाज़ कितना मस्त से लग रहा है, गर्म पानी पीऊँगी और थोड़ी देर के बाद चाय पीऊँगी, थोड़ा अपना काम निपटारा करके। सुबह सुबह थोड़ा सा वॉकिंग करो ना तो वार्म अप हो जाता है मॉर्निंग में, पर काम इतने सारे होते हैं ना कि फुर्सत नहीं रहती है, और उसकी वजह से हम सुबह, मुझे 9 बजे निकलने का रहता है ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ वॉकिंग वगैरह। पर मैंने आज से डिसाइड किया है कि आज से ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगी, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ मेरी लाइफ में। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं, और उनकी मम्मी लोग सब स्कूल में छोड़ने को जा रही है उनको। गाइस बच्चे लोग का कैसा है ना, बेचारे रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, रोज़ सुबह उनको उठकर स्कूल जाना पड़ता है, और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, वो कचरे वाली उसका गाड़ी धकल के ला रही है, ये उसका आवाज़ है। देखिए सुबह सुबह कचरे वालों लोग का काम चालू हो जाता है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं वार्म अप करने के लिए। एक कोई बच्चा दौड़ के आ रहा है, शायद स्कूल का कुछ भूल गया है वो। देखिए काय बस विसरला बेटा, स्कूल का कोई चीज भूल गया तो वो वापस रिटर्न लेने के लिए आ रहा है। मम्मी लोगों की सुबह सुबह भागम भागी मची रहती है। देखो बेचारी मम्मी सुबह जल्दी उठ के वो बच्चा ऐसे भाग रहा है, आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब इतना दूर तक निकल गए थे नाके तक, और फिर वापस से घर पे भागना बोला तो बहुत ही। पिजन और कौवों की दोस्ती। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब मेरे घर की ओर, और चलिए घर में चलते हैं। हर जगह तो बच्चे ही दिख रहे हैं स्कूल जाने वाले। ये पैरट इतना बोलता है ना, किसी ने घर पे बेचारे को पिंजरे में बांध के रखा है, अब बोला।
ये पानी है ना जमीन पे, किसी ने गाड़ी धोई होगी उसका पानी है। तो गाइस अभी बजे हैं 6:45, 7:15 बजे हैं और मैं पहुंच गई हूँ घर पे। तो चलिए अब सुबह का काम स्टार्ट करते हैं। मुझे आज पाव भाजी की भाजी बनानी है, तो चलिए वो सब काम स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ घर पे और है ये है मेरा तुलसी वृंदावन। गाइस चलिए एक लुक गार्डन का भी हो जाए, मेरे प्लांट कितने बड़े हैं और कितना फ्लावर्स आया है वो देख लेते हैं। मॉर्निंग में थोड़ा सा फूल को देख के अच्छा लगता है। और मेरा धनिया का झाड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो गाइस है ना, ये ब्रह्म कमल है, इसको जरा सा थोड़ा सा मैंने खाद डालनी चाहिए। दोनों कुंडियों में लगा है ब्रह्म कमल। इसमें फूल आते हैं गाइस, तो इसमें 2-3 साल में एक ही फूल आता है, एक बार ही फूल आता है। तो वो रात को 12 बजे खिलता है। ये ब्रह्म कमल का झाड़ है, ये रात को 12 बजे खिलता है। और ये मेरा धनिया जो मेरे एपिसोड में आपने देखा था, मैंने दिवाली के दिन लगाया था, वो अब इतना बड़ा हो गया है और मैं रोज़ इसको देखती हूँ और खुश होती हूँ। ये है मेरा पैसे का झाड़, इसमें मैंने धनिया लगाया था, स्नेक प्लांट लगाया था और पैसे लगाए थे। 10 रुपये का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन, वो मेरे दिवाली वाले वीडियो में है। दिवाली के दिन आपको ये सब करना है उसमें। और गाइस देखिए बहुत सुंदर से फ्लावर्स आए हैं। फ्लावर्स को देख के मैं खुश, और मुझे क्या चाहिए। बस मेरी मेहनत रंग लाती है, यही मुझे देख के खुशी होती है और कुछ नहीं। तो गाइस आंगन में घूम के हो गया है और चलिए अब चलते हैं घर में। आज मैंने बाल कैसे बनाए थे देख लीजिए, पूरा ऊंचा जूड़ा बनाई थी मैंने। तो चलिए अब चलते हैं घर में। तो मेरा गार्डन आप देख चुके हैं और चलिए अब चाय पीते हैं। हो गया मॉर्निंग का आधा पौना घंटा वॉकिंग और अब काम पे लगते हैं। तो फाइनली घर पे आ गई हूँ, होम स्वीट होम। कितना अच्छा लगता है घर पे आने के बाद गाइस, देखिए बहुत अच्छा लगता है घर पे आने के बाद। चलिए अब काम पे लगते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने बटाने भिगाए हैं, तो पहले भाजी बना देती हूँ, चाय बनाती हूँ एक साइड। और पहले तो सबसे पहले गर्म पानी पीऊंगी, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ गर्म पानी पीना। गाइस मेरे लाइफ का अपडेट मैं आपके साथ सारा शेयर करती रहती हूँ, तो मेरी ऐसे तो मेरी बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने आज से वॉकिंग और गर्म पानी पीना स्टार्ट किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो सब बातें। तो चलिए पहले गर्म पानी करते हैं और उसके बाद चाय खाना बनाते हैं। 7 बज गया है तो सारे घर के काम निपटाते हैं, फिर 9 बजे तो पार्लर भी जाना है। तो चलिए गाइस आप सब भी उठिए, अब सुबह हो गई है, आधे तो सब लोग उठ ही गए होंगे। पानी बॉईल करने रख दिया है मैंने और थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं पी लूंगी इसको भी।
फटक से। ये बटाना रात को भिगा दिया था, तो बस मम्मी का और मेरा ही खाना। पानी गर्म हो गया गाइस, गैस बंद करती हूँ। मम्मी का और मेरा ही खाना बनाने का है, तो थोड़े ही बटाने भिगाए हैं इसमें। अब मैं इसको बॉईल कर लूंगी आलू के साथ, और फिर टमाटर प्याज और वो सब के साथ पाव भाजी मसाला डाल के पाव भाजी की भाजी बना लूंगी। और पाव तो पार्लर पे जाके ही ले लूंगी, और वहां पे बटर लेके वहां पे तल लूंगी। आप जानते हो मेरे पार्लर पे गैस वगैरह सब कुछ है, तो एक छोटा सा किचन भी है पार्लर में, तो वहां पे हम लोग चाय वाय बनाते रहते हैं, तो वहीं पे मैं पाव को गरम कर लूंगी। तो चलिए गाइस, मैं अभी फटाफट काम पे लगती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी देर में। गाइस देखते गरम पानी पी के कैसा लगता है। ठीक है गाइस, पर अपनी हेल्थ के लिए पीना जरूरी है, तो चलिए मैं पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। पता है क्या हुआ, पाव भाजी बनाई लेकिन मैं शूट करना भूल गई। तो गाइस पाव भाजी अच्छी बनी है, और अच्छी बनी है मतलब आपको दिखाना भूल गई, तो पाव भाजी ऐसी ही बनी है जैसी आपके घर में बनती है। ओके गाइस, तो दोपहर को मैं शायद अगर ना भूल जाऊँ तो ज़रूर से बताऊँगी खाना खाते वक्त कि मेरी पाव भाजी कैसी बनी है, और नहीं तो आप समझ जाइएगा कि आपके घर में जैसी बनती है वैसी ही मेरे घर में बनी है। और मुझे पता है आप लोग सब टेस्टी टेस्टी खाना बनाते होंगे। तो गाइस चलिए, अब मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेते हैं स्किन को, तो मैं लगाती हूँ पॉन्ड्स क्रीम। मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा पॉन्ड्स क्रीम क्योंकि स्किन मुझे बहुत ड्राई ड्राई लग रही है, तो पॉन्ड्स क्रीम लगा लिया है मैंने थोड़ा सा हाथ पे भी। गाइस ये है ना, मेरे सब आईब्रोज कर करके ना, सबके क्लाइंट के आईब्रोज करके ना, मेरा ये अंगूठे का, ये देखिए आप इधर देखिए, ये ऐसा धागे का पूरा निशान आ गया है, और ये उंगलियों में भी इस तरह से निशान आ जाता है। तो गाइस थोड़ा सा हाथ को मैं ज़रा सा अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ ताकि फिर स्किन कटे नहीं, और ठंडी में नाखून के आसपास, आप लोग करते हो कि नहीं ऐसा, ये नाखून के आसपास अच्छे से क्रीम लगाइए, नहीं तो यहाँ के क्यूटिकल्स ना बढ़ जाते हैं गाइस, तो इसको अच्छे से क्रीम लगाइए और सॉफ्ट कर लीजिए। और ये मैंने पहनी है कछुए वाली अंगूठी। पता नहीं बीच में बहुत चली थी कछुए वाली अंगूठी, तो मैंने भी पहन ली और मेरी बेटी ने भी एक पहन ली, हम दोनों ने पहन लिए, और इस बार मैंने देखा कि जय ने भी पहन ली है। तो गाइस ठीक है ना, कुछ करने से कुछ अच्छा होता है तो होने दीजिए। और गाइस ये है डॉल, मेरी मेरी नहीं मतलब मेरी बेटी की डॉल है, पर जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना तो हम थोड़ी सी ऐसी बचकाना हरकत करते रहते हैं, तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं लगा रही हूँ काजल, मेरा ये पहले क्रीम के डब्बे को बंद कर देती हूँ और लगाती हूँ काजल। गाइस ये ऑर्गेनिक काजल है और ये मैं लाई थी दार्जिलिंग से। मैंने अपने तिल को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, तो काजल मैंने लगा चुकी हूँ, और बस मैं लगाती हूँ अभी सिंदूर। तो मैंने सिंदूर और बिंदी लगा लिया है, बिंदी दिख नहीं रही है। ठीक है, मैंने सिंदूर और बिंदी लगा लिया है और एकदम से लाइट लिपस्टिक लगाऊंगी मैं, ये वाली ठंडी में। अब मुझे ये रशिया वाली लिप ग्लोज ही अच्छी लगती है क्योंकि ये पूरी एकदम सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर है इसका, और बहुत क्रीमी है और बहुत अच्छे से लग जाती है।
गाइस, बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो चलिए पार्लर में जाके मिलते हैं। और कल से नया क्लास नहीं, मंडे से क्लासेस वाले नया बैच चालू हुआ है, तो विक्स का डब्बी गिर गया। तो मंडे से क्लासेस चालू हो गए हैं, नया बैच शुरू हो गया है। तो देखते हैं, अगर वो सब लड़कियां चाहेगी तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। कभी कभी होता है ना गाइस, उनसे पूछना पड़ता है कि आप लोग आओगे क्या यूट्यूब पे। अगर वो आना चाहते हैं तो ही हम उनको ले सकते हैं, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं कुछ काम कर सकते ना। और कल बहुत मज़ा आया हम क्लासेस में, थोड़ा सा हम सब चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे थे तो कल बहुत मज़ा आया क्लासेस में, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बढ़ गए। नया बैच स्टार्ट हुआ है तो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट बहुत ऐसा जॉली स्टूडेंट है, मतलब अच्छा अच्छे नेचर वाले सारे स्टूडेंट है। तो कल हमने हमारा ग्रुप भी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और अब बस ऐसे ही चैटिंग चलती रहेगी उनके साथ भी, और दोपहर को क्लास शुरू हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पार्लर पे और फिर आगे आगे मैं मिलती रहूँगी। गाइज, आप पूछोगे मैं कहाँ पे बैठी हूँ, तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, और मैं ड्रेसिंग टेबल के आगे छोटा सा स्टूल है उस पे मैं बैठी हूँ। और मैंने रखा था मोबाइल बेड के ऊपर, छोटे से ये क्या बोलते हैं उसको, गोरिल्ला ट्राइपॉड पे, और उससे मैं शूट कर रही थी। तो गाइस चलिए अब निकलती हूँ, 9:30 होने को आए हैं। गाइस बहुत भागम भाग मची रहती है, क्या करूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है मुझे, तो बस काम बहुत पेंडिंग रह जाता है। फिर भी जितना हो सके उतना काम भाग भाग के कर लेती हूँ मॉर्निंग के 2 घंटे में। और मेरी एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है गाइस, मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना, मेरा काम बहुत रहता है तो एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है, पूरा दिन भागम भागी मची रहती है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अब थोड़ा सा बाल पीछे करके परफ्यूम मार लेती हूँ। ओके, ये वाला परफ्यूम भी हम लोग रशिया से लाए थे, बहुत मस्त फ्लावरी स्मेल है इसकी, इस पे फ्लावर ये किया है और स्मेल भी इसकी फ्लावरी है। तो गाइस चलिए, अब मैं प्रॉपरली पूरी तरह रेडी हो गई हूँ और मैं निकल रही हूँ। होता है गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है। हे गाइस, अभी बजे हैं रात के 11:30 और अभी मैं आधा पौने घंटे तक लाइव गई थी, और बस अब सो जाएंगे। मैंने बोला था ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मैं भूल गई आपको पाव भाजी दिखाना दोपहर को भी, और थोड़ी बहुत क्लासेस में, मेरे ब्यूटी के क्लासेस में थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी, और बस उनको वो सिखाया। और शाम को तो, रात को तो मैं भाग भाग के आई घर पे, क्योंकि मुझे लाइव जाना था। मैंने सबको नोटिफिकेशन दे दिया था कि मैं लाइव आ रही हूँ, तो इसके लिए मुझे जल्दी से आना पड़ा, नहीं तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ तो भी शूट करने वाली थी नया कुछ। तो अब जाएगी बात कल पे। तो चलिए गाइस, कल मैं रात को कुछ तो भी नया शूट करके क्लिपिंग आपको ऐड करके दिखाऊंगी ज़रूर से। ओके गाइस, और सारे गाइस मेरे लाइव में आप लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो ज़रूर से, मेरा नोटिफिकेशन आए तो मेरे लाइव में आप लोग ज्वाइन होइए। लाइव में जैसे एकदम से बात होती है ना गाइस, ऐसी बात वीडियो में नहीं होती है। वीडियो में तो सिर्फ मैं अकेली बड़बड़ 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 करती रहती हूँ, पक पक पक, पर लाइव में कैसे सामने भी कन्वर्सेशन चलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज का लाइव अच्छा लगा। फर्स्ट तो मैंने चालू किया तो मेरा मतलब मोबाइल ही उसमें से ट्राइपॉड से सटक गया और नीचे गिर गया, और उसी तरह से वो टेढ़ा मेढ़ा आया है वीडियो, पर फिर भी मैंने उसको अपलोड कर दिया है, मतलब उसको जाने दिया, वो वीडियो को चालू रखा।
और तो गाइस बस सब सोने की तैयारी है, तो आप लोग भी सब सो जाइए नहीं तो भूत आ जाएगा। गाइस कौन कौन डरता है भूत से मुझे बताइए। मैं बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं। एक तो भूत से डरती हूँ और एक छिपकली से, बस दो चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है और मुझे कुछ नहीं, किसी से डर नहीं लगता है। मुझे कोई बोलेगा कि अकेली रह ले कुछ भी कर ले, पर अगर मुझे नींद नहीं आई ना तो लग गई वाट, फिर तो मुझे कैसे कैसे ख्याल आते हैं पूछो मत। तो गाइस चलिए अब बजे हैं 11:30 और सोने जा रही हूँ मैं, तो चलिए सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, गुड नाइट। गाइस मैं एक बार शेयर करना आपके साथ भूल गई, मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया है और आप मेरी यूट्यूब पे बार बार अब फोटोज़ देखोगे मैसेज के साथ, ओके। और एक एक सीढ़ियाँ मैं ऊपर ऊपर चढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दिन से मैं देख रही थी सब लोग मैसेज देते हैप्पी दिवाली, अपना फ़ोटो डालते, पर मुझे वो सब कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। बोलते हैं ना 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद कम्युनिटी टैब मिलता है, तो मैं वेटिंग में थी। मेरे 6,200-300 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मैंने सोचा मुझे भी मिल जाएगा 10,000 के बाद, पर उसके पहले ही दे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये पार्टी हम करेंगे ज़रूर से कम्युनिटी टैब मिलने की, ओके। जब हम मीटअप करेंगे सबके साथ तब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, ओके। तो बाय गाइस, मिलते हैं कल। तो गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, खाना मैंने बना लिया है, बैंगन आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, और मैं निकल रही हूँ अब पार्लर के लिए। और बस अब इसमें थोड़ा सा एक क्लिपिंग और ऐड करूँगी और आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगी। गाइज ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है क्योंकि ये कल से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए। और एक अपडेट आपको दे रही हूँ कि मैं ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, उसका एक वीडियो अलग से बना के मैं डाल दूँगी। तो डेली के मेरे ब्यूटी कोर्स के वीडियोस आएंगे अब, और डेली आप सीखोगे घर पे बैठे बैठे ब्यूटी के बारे में। तो गाइस जो मेरा 50,000 का कोर्स है वो मैं अब आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, और देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ, ओके गाइस। तो चलिए, बहुत ब्लैक आ रहा है, इधर लाइट नहीं आ रही, ये साइड मैं बैठी हूँ विंडो के पास, ब्लर आ रहा है पीछे का। तो गाइस चलिए निकलती हूँ पार्लर के लिए, और मैं जो नए आए हैं मेरे चैनल पे वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, माय लेडीज़ ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। तो आपको अगर ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, तो आपको नया नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं पार्लर पे। और हाँ, जिसने मुझे जो कोई फॉलो नहीं करता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो मेरा फेसबुक आईडी है ज्योत्सना जायसवाल, और इंस्टाग्राम पे आईडी सेम है ज्योत्सना जायसवाल JYOTSHNA, और कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट ज्योत्सना जायसवाल। तो गाइस आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ये लग ही नहीं रही है, तू ब्लर हो रहा है आपका। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।